नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। दोस्तों, एक दिक्कत हमको आ रही थी जीएसटी नंबर सर्च करने में कि वहां पर पैन कार्ड के थ्रू हम जीएसटी सर्च नहीं कर पा रहे थे। सो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जीएसटी पोर्टल में अब ये सुविधा आ चुकी है और अब हम पैन कार्ड को यूज करते हुए भी जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेरी का आंसर देने के लिए। सो चलिए देखते हैं जो हमारा लेटेस्ट फीचर हुआ है पोर्टल पे कि हम किस तरीके से पैन कार्ड नंबर यूज करते हुए जीएसटी सर्च करेंगे। तो इसके पहले हम जाएंगे सबसे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर www.gst.gov.in। यहाँ आपको एक सेक्शन मिलेगा सर्च टैक्स पेयर का, यहाँ क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसके बीच में एक नया ऑप्शन आ गया है जो आप देख पाओगे, वो है सर्च बाय पैन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम क्लिक करेंगे और एक नया पेज खुलेगा। पेज पे हमको सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है। देखिए यहाँ पर आ गया सर्च बाय पैन कार्ड, हम सिर्फ एक पैन कार्ड नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उस पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी जीएसटी अलॉटेड हैं सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि ये वाला पार्ट केस सेंसिटिव है, तो अगर आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो आपको ये नहीं दिखाएगा, एरर बताएगा। सो इसलिए यूज कैपिटल लेटर। मैं यहाँ एक जीएसटी एक पैन कार्ड नंबर डालता हूँ और उसके बाद यहाँ एक कैप्चा कोड डालेंगे हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पर 137373। देन सर्च करेंगे, तो जैसे ही हमने सर्च पे क्लिक किया इमीडिएटली यहाँ पर इस पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी जीएसटी हैं सब आ गए। तो इस पैन कार्ड से दो जीएसटी ने जो कि हमको पोर्टल दिखा रहा है। एक चीज देखिएगा आप, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया तो इमीडिएटली यहाँ पर ये इसकी लिस्ट आ गई, तो इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, तो पोर्टल अपने आप को सुधार रहा है, तो अच्छी बात है हमारे सबके लिए। अब इसके बाद देखिए आप, ये एक जीएसटी नंबर जो है इसका स्टेटस है इनएक्टिव, ये स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है, मतलब क्या, ये जीएसटी कैंसिल हो चुका है, अभी एक्टिव नहीं है। तो चलिए पहले इसकी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिए आप हाइपरलिंक बना हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से चले जाएगा सर्च जीएसटी वाले पार्ट पे, बट फर्क इतना रहेगा कि अब आपको फिर से जीएसटी नंबर लिखना नहीं है। अब यहाँ पर फिर से हम कैप्चा कोड डालेंगे और उस इनएक्टिव वाले पार्ट का हम देखेंगे इस जानकारी उसकी पूरी डिटेल है क्या। हमने सर्च में क्लिक किया तो ये इसकी पूरी डिटेल आ गई है, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जीएसटी है सुमित कुमार स्वर्णकार के नाम पे और ये कैंसल्ड हो चुका है और इसकी कैंसिलेशन की तारीख है 1 अगस्त 2018। दोस्तों, इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा कि आज अगर आपको कोई एक क्लाइंट आपका जीएसटी का बिल भी दे रहा है और अगर उसका अगर ये जीएसटी कैंसिल हो चुका है तो उसके बाद आप उस बिल के अगेंस्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आज के बाद कोई भी अगर आपको नई परचेस दे रहा है या पुराना पार्टी भी, या आपका पुराना क्लाइंट भी अगर आपको परचेस आप उससे कर रहे हो तो पहले एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कहीं उसका जीएसटी कैंसिल तो नहीं हो गया। सो ये एक तरीका था जानने का कि हम पैन कार्ड के थ्रू किस तरीके से हमारा जीएसटी नंबर देख पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कोई भी क्वेरी है तो आप अपने कोई भी क्वेरी हमें इस एड्रेस पे पूछ सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और या फिर सबसे बेस्ट आपको बता दूं, आप हमारी इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन दे दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका क्वेरी का आंसर देने के लिए। चलिए, धन्यवाद।